एक बड़ी खबर आपको बता दें, 2024 से पहले बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, 2024 से पहले बीजेपी की नई टीम का ऐलान। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री बनाए गए हैं। वसुंधरा राजे रमन सिंह उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कैलाश विजय वर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं और ये लिस्ट भी हम आपको देखिए दिखा रहे हैं। अरुण सिंह तरुण चुग भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। 2024 से पहले बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। देखिए 2024 की रणनीति बनाने में जुटी है भारतीय जनता पार्टी और एक बार फिर से तीसरे कार्यकाल में पहुंचना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। तमाम बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। नई टीम का ऐलान किया गया 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। अरुण सिंह तरुण चुग राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं 2024 से पहले। ये जो बड़े बदलाव किए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री बनाए गए हैं। वसुंधरा राजे रमन सिंह जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। कैलाश विजय वर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारियां देखिए दी गई हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। कई बड़े और अहम बदलाव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 8 महामंत्री बनाए गए हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष बनाया गया है। कैलाश विजय वर्गीय को भी देखिए इसमें जिम्मेदारी दी गई है। अरुण सिंह को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। तरुण चुग को भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2024 से पहले कई अहम बदलाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। अब एक नई टीम का ऐलान किया गया है। देखिए राज्यों में भी अलग अलग बदलाव किए जा रहे हैं, जिलों में भी बदलाव हो रहे हैं। कुल मिलाकर हर इकाई को मजबूत करने की कोशिशें यहां पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। फिलहाल 2024 से पहले बीजेपी ने एक नई टीम का ऐलान किया है जिसमें ये अहम जिम्मेदारियां जो है वो दी गई हैं। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कैलाश विजय वर्गीय को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वसुंधरा राजे जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है, रमन सिंह को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये लिस्ट देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने जो नए बदलाव किए हैं, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है नई टीम में, उनके नाम लगातार आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। कैलाश विजय वर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। वसुंधरा राजे रमन सिंह जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ सहयोगी दीपक चौबे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, 2024 से पहले बीजेपी कई सारे बदलाव कर रही है, जिलों में बदलाव हो रहे हैं, राज्यों में हो रहे हैं और अब एक राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देख रहे हैं नई टीम का ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल, और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी जो नई टीम है उसकी घोषणा कर दी है। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे लगातार काफ़ी दिनों से कि कब ये लिस्ट आएगी, पर आज जो लिस्ट आई है उसमें देखिए सबसे बड़ा जो फेरबदल है वो ये है कि इस टीम में दो नए चेहरे जो दिए गए हैं वो ये है कि राज्यसभा सांसद अग्रवाल को जगह दी गई है और संजय बंडी जो प्रदेश अध्यक्ष थे तेलंगाना को, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो देखिए इस बार सबसे बड़ा जो बीजेपी ने जो दाव खेला है वो ये है कि पहली बार दो
मुसलमानों को राष्ट्र उपाध्यक्ष बनाया गया है, वो भी पसमानदा मुसलमानों को बनाया गया है, जो कि लगातार बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एम फैक्टर की बात की जा रही थी, तो वो दिखाने के लिए। क्योंकि अगर बात की जाए तो अभी तक मुख्तार अब्बास नकवी या शहनवाज हुसैन के बाद कोई बड़ा चेहरा नहीं आया बीजेपी में, तो अब इन दो मुस्लिम नेताओं को राष्ट्र टीम में जगह मिली है, और वो भी पसमानदा मुसलमान को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कह दिया था कि पसमानदा जो मुसलमान हैं उनको साथ लेके चलने की बात कही थी 2024 को लेकर, क्योंकि 2024 में देखा जाए तो बीजेपी के लिए थोड़ी बहुत कठिनाई है, पर ये वही समाज है जो लगता है बीजेपी को कि ये उनके साथ रहेगा। अगर अलग अलग टीमों की बात बताया जाए तो देखिए, टीम नड्डा में जो तीन नए राष्ट्र उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, लता उसेडी और तारिक मसूर। तारिक मसूर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात की जाए तो वो खुद राज्यसभा सांसद है, उनको इस बार जगह दी गई है। उसके बाद और भी कई चेहरे हैं जैसे कि सीटी रवि, देखिए, और जो दो लोग हैं जिनको हटाया गया है राष्ट्र महासचिव में वो है सीटी रवि और दिलीप सिकिया। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो देखिए, सुरेंद्र नागर और पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को भी जगह दी गई है राष्ट्रीय टीम में। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये जानती है कि 2024 में उसको विपक्ष के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहना, इसीलिए वो अनिल एंटनी को भी लेके आई है। केरला में उनका अच्छा पकड़ है, और जिस तरीके से बात की जा रही थी कि जो सीटें अगर कम होती हैं कहीं से भी तो उसको कहाँ कहाँ से किया जाए, हालांकि 164 जो सीटें, जो हारी हुई सीटें या फिर जो कम मार्जिन से सीटें हारी हुई हैं वहाँ पे बीजेपी अपनी बहुमत बना रही है। और ये राष्ट्र टीम एक बहुत महत्वपूर्ण टीम थी जिसको लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कब ये लिस्ट आएगी, और आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। हालांकि देखिए, अभी तक जो मीडिया टीम है उसकी घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि अगर बात की जाए तो मीडिया टीम में भी कई बदलाव होने वाले हैं, कई जो राज्यों के प्रवक्ता हैं उनको नेशनल टीम में लाने की चर्चा की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भी खासकर तब जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो। और अभी अगर देखा जाए तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें अगर राजस्थान की बात की जाए, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। ये भी देखिए, एक चीज और है कि जो हम ये लिस्ट देख पा रहे हैं, ऐसे कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी के, जिन्हें स्टार प्रचारक भी माना जा सकता है। देखिए, कई अहम चेहरे, कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत कुमार गौतम, तरुण चुग, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, संजय बंदी, ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भरोसेमंद चेहरे, और साथ ही जिन्हें संगठन का भी अनुभव है, पार्टी का भी अनुभव है, इस बात का ख्याल रखते हुए ये लिस्ट बनाई गई है। दीपक, बिल्कुल, देखिए अरुण सिंह जो है वो अभी राजस्थान के प्रभारी हैं, और संगठन के मामले में वो बहुत ही ज़्यादा जानकारी रखते हैं, और संगठन को, उनको पता है कि संगठन को कैसे चलाना है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अरुण सिंह के पास बीजेपी राष्ट्र कार्यालय का प्रभार भी है। आज अगर एक भी अगर अपॉइंटमेंट होता है, देखिए जो लिस्ट आप पढ़ रहे हैं उस पर अरुण सिंह के साइन होते तो उनका कद ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि वो अरुण सिंह की अगर बात की जाए तो अरुण सिंह राज्यसभा सांसद है, और लगातार पार्टी को लेकर वो संगठन की बात की जाए तो संगठन में उनकी बहुत महत्वपूर्ण अगर भूमिका रहती है तो वो है अरुण सिंह की। दूसरी बात, आपने कहा कि सुनील बंसल को आज के टाइम पे अगर बीजेपी की बात की जाए तो ऐसा कोई भी कार्यकर्ता नहीं होगा जो ना जानता हो, और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुनील बंसल का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि सुनील बंसल ही ऐसे थे जिन्होंने दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, और कहा जाता था कि जब वो संगठन महामंत्री थे तो उनका जो संगठन में जो काम करने का तरीका था वो एक अलग था, वो लोगों से मिलते थे, संगठन की बात की जाए तो संगठन में मजबूत पकड़ रखते थे। उसके बाद उनको दिल्ली लाया गया और दिल्ली ला के राष्ट्र महासचिव बनाया गया। वहीं अगर कैलाश विजयवर्ग की बात की जाए तो कैलाश विजयवर्ग के लिए सबसे बड़ी बात थी कि सबसे टफ था पश्चिम बंगाल चुनाव, हालांकि बीजेपी हार गई, पर जो उसने जो आंकड़ा लिया वो ऐतिहासिक आंकड़ा था, और संगठन में वो माने जाते हैं, संगठन के वो खिलाड़ी माने जाते हैं, और कई बार उनका पार्टी ने अगर कहा जाए तो प्रयोग किया है कि जहाँ पे भी अगर कुछ दिक्कत होती है उनको भेजा जाता है कि जाइए और आप संगठन। देखिए, ये अनुभव भी है जिसके आधार पर एक बार फिर से लिस्ट जो है हम देख पा रहे हैं, और एक बार फिर से 2024 में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नई टीम का ऐलान किया। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दीपक।